दादा शुक्र करनी है कि खुदा ने ये मौका दिखा कि आप अपने करेज खुड़ी है दादी को दे सकूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बड़े बुरे बुरे टाइम लिखे मैं सोचा था नहीं है कदम कि मेरा कार बने, मगर दादा लाख लाख शुक्र करनी है कि खुदा ने भी ये कार दिता है, क्योंकि अज को हम चार साल पीछे जाना मेरे को कुछ नहीं था कार देखे, मगर शायद कई टाइम ऐसे है कि खुदा ने कहते भुखे नहीं रखे मगर रसोई दे कि असें के खाना है, अब जिस टाइम कट रहे होंगे अस इन्नी मुश्किल से किराए पर कमरा था इन्नी खास कमाई नहीं थी और लोगों का बड़ा सारा कर्जा भी देना था, मगर असं जी तीय करिए कर्जा लिता और अस उधरा इतने आई है, फिर भी साड़ी जिंदगी बड़ी ज़्यादा मुश्किल आई हैं कि असं सोचा नहीं है कि अगर अस इस मुकाम तक पुज गए या अस अपना घर बना गए या अस बंदगी देगे असें सिर्फ ये सोच होंगी कि असें अच्छा रुटी खाओड़ी मगर कल को दराहा नहीं क्योंकि साढ़े को कोई भी मतलब वो नहीं है कि नहीं जो है जिंदगी वो है ठीक है, मगर एक टाइम ऐसा है कि अस इतने आई हैं और इधर वापस लिए चली इधर कोई काम नहीं लगे नहीं मिलना क्योंकि ध्याड़ियाँ लानी पे जिंदगी ध्याड़ियाँ नहीं है ला दी और काम शाम करते हैं अपने मस्त रहा जिस टाइम ब्याह क्या होया तो इन्हें क्या किया कि कटरे ही आई मम्मी कहने मम्मी ने असें कुछ पैसे देने हैं मम्मी ने असें ब्याज उपर पैसे ले दिए और असें क्या किया कि अस्ता ही आई है मम्मी कहने जिस टाइम इतने आए साढ़े को बिल्कुल भी इन्हें खास पैसे नहीं लगे बढ़ना कि अस अपना घर घर चलाई सकूँ या लोग ब्याज दे सकूँ या पैसे मुकाई सकूँ, इन्हें क्या किया कि वापस कटरे ही चलिए लगे आखना कि नहीं आओ कटरे जन्ना उतर जाइए काम करना और लोग कर्जा दे सकता, मगर जिस बंदे उस बंदे ने आख्या कि तू आई यहाँ भी 15,000 रुपया तनखा देगा मगर लास्ट उस बंदे ने असें 6,000 रुपया तनखा दी और लोगों का ब्याज कुधरा देना है या रकम को था नहीं मगर साढ़े ऊपर इन्नी मुसीबत आई कि जब मेरी निकी जी कुड़ी इन्नी ज़्यादा बीमार हुई कि ये सिरे में खड्डे हुई है इं करिए तारी पिछे बिल्कुल पाग बदली अस सोई दे मतलब जड़ा भी दिखता हो गया आखता कि इसने उन्हें नहीं बचना है और खुदा का इन्ना फजल होया कि उस इस्लाम से असें और लोगों को पैसे लेते दोबारे इसी उधमपुर कटरे हर जगह फिर रहे से जी जब तो नहीं आराम लगे हम फिर मम्मी जम्मू ले गई चली नहीं कुड़ी एक दो बार दवाई लाई और उसके बाद कुड़ी ठीक हुई जिस टाइम कुड़ी ठीक हुई फिर दोबारा परेशानी हुई कि नहीं हूँ और ज़्यादा कर्जा बधी है पहले तो था ही था मगर हूँ तो और ज़्यादा हो गया हूँ के करूँ फिर क्या होना कि रात नींदर नहीं खोल बस सोई दे रहा कि लोग यहाँ कर्जा भुगाना है काम करना लगी पे उधर आए जिस टाइम तो रोड़े पर मतलब कि कर्जा शर्जा मुड़ गया उधर कर्जा उधर मुड़ गया कट रहा वापस आए मोड़ काम लग गई है मोड़ काम लगे करना काम करते करते कोई एक महीना होता तो साड़ी दादी ने नहीं है जिस टाइम दादी ने नहीं है तो मम्मी ने आख्या कि भाई तुझे आना पौना इन्हें जाइए साहब कहने गल की साहब ने आख्या कि अगर तू जाना है तो तू अपना बोरी बिस्तरा चुक बिस्तरा बुस्तरा भी करा ही नहीं कहते अपना बोरी बिस्तरा चुक और निकलता वह और अगर नहीं आते हैं तो सारे रिश्तेदार ही आखना कि देखो घर मौत आई और एक घर तक नहीं पुजे इन्हें सारा अपना बोरी बिस्तरा चुकया आई है उधर आए थे जिस टाइम इतने आए अपने बारे काम शाम का कोई नहीं था मगर थोड़े दिन ऊपर जाते रहे दादी मतलब कि चाचू हमें घर जिते दादी लेइए गए फिर उसके बाद वापिस आई है कोई क्या ध्याड़ी भी लगी थोड़ा फिर उसके बाद क्या है कि साढ़े घर कश उपर सिरक लगी बनना नहीं ध्याड़ी लगी ध्याड़ी मिली ध्याड़ी लगी पे ला ध्याड़ी शाड़ी लाते रहे जिन्नी सारी ध्याड़ी लानी उन्नी सारी समझो रुटी खाने और बच्चों का खर्चा आई जाने लोगों कोई कर्जा नहीं लगे मुकना फिर परेशान कि खुदा हम क्या करूँगा मगर चलो इन्ना था कि रुटी खाए दे मगर एक दिन ऐसा आया कि वो ध्याड़ियाँ खत्म हो गई जिस टाइम काम खत्म हुई है तो ध्याड़ी खत्म हुई है और फिर परेशान खुदाया हम क्या कर दो जिस दिन ध्याड़ी खत्म हुई ध्याड़ियाँ खत्म हुई हैं उसे लगना काम शाम खत्म हुई है उस दिन अस शराब नहीं चले हम तो अस करोल पूछे पता नहीं कि सारी एक दूसरे कहने बहस लगी होना और उसने क्या किया गड्डी जो उतरी गई अस जा रहे कि रामधन बन गई और इसने क्या किया करोल जिंद उतरी है दूजा मिल जाना है मम्मी भी साड़े कहने नहीं आनी ज़्यादा परेशान कि पैसा बोले मेरी शक्ल दिखी है नहीं मैं सुन तो ये भी परेशान मैं पैसा लगे कुछ नहीं बोलने तू सुना तू की परेशान है तू इक्की हो जा तू बोले दी नहीं कुए दी नहीं इं रोने का मूड बना था तू इक्की हो जा हम तो पहले बड़े चीज बोले कि खास उस टाइम साढ़े पैसा बोले कहने नहीं थी बंदी मगर मैं फिर सोचा कि हमें काम करनी है पैसा बोले सुनानी है कि नहीं भी ये परेशानी है तो उसका ना करो और पाशा बोले सुनाए रस्ते जल्दी पाशा साढ़े को कोई काम काज नहीं है और असें लोग इन्ने पैसे देने कि असं ये भूल नहीं कम से कम घट को घट ही होगी जैसे 1,50,000 रुपया का ही था और जिस को ध्याड़ी नहीं हो ब्याह चढ़े दा उसे रोक वो इंसान क्या सोचता कि मेरे कहना क्या होगा है और भी पाशा ने कहा तो टेंशन मत ले
प्रार्थना का खर्चा चुस्को इधवाई दे इपड़े काम दे मगर मैं सोचा सोचा फास्ट के बाद बबली उठकोई दे बबली उठकोई दे शरम मैं निकवाई चुस्तना मेरे तरफ दी बबली काम तो अना चाहिए यार मतलब कि इन्हें काम तो अना चाहिए उठ नहीं उठ रही हूँ फिर चलो पैसावर को और भी गुआई है पैसा जितनी गुआई शायद पैसावर दुआई तो दुआ करना शुरू की थी उधर दूबे थे नाके साहब उनकी कंपनी आई थे चलो तो पता नहीं कहते ऊपर उसे गाल शाल लगी होना सारी मम्मी गई इन्हें गाल वाल की थी और काम तो ही उधर बाद पैसा और मेरे ने गाल की थी ये काम करो सारी जो भी कमाई है अगर तुझ 10 रुपये कमाने 1 रुपया दो अगर 500 कमाने तो जिन्ना बनता उन्ना दो मगर जो साढ़ा दशमांश है वो तुझे देना बड़ा जरूरी है असें आख्या ठीक है क्योंकि विश्वास तो बड़े जी रहे मगर कोई दुआ करता हाँ ना सोई दी सुनाया फटाफट खत्म हो बाहर ही जा है मेरे दिल से ये सोच मन नहीं करता कि अंदर में सोई ना खत्म हो जा बाहर ही है मगर मैं क्या किया कि अपना दशमांश देना शुरू किया पाशा बुरे ने गलबात करते रहे प्रार्थना करवाते रहे पाशा बुरे अपने कोल सदते रहे और आते 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 साढ़ा कर्जा खत्म हो गया कि खुदा ने इन्ना भी फजल किया कि वो सारा कर्जा खत्म हो गया उसके बाद अस जिस टाइम इतने आए मतलब असने और भी बड़े बड़िया बड़िया खुदा ने सारी जिंदगी आशा दी जल्द अस दशमांश देने असें मतलब कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई पहले अस उठिए कितने सोए थे कि खुदाया कहीं खा के अज अज अस ये सोचने कि खुदाया अगर साढ़े को कोई खाना चाहे अस चाहूँ बंदे खुलाने में बना दे खुदा ने और ये को बड़ा खुदा असें के दे है उससे कितने आखने कि तुम जिन्हें भी जन ये नहीं पता कि तू साढ़े चाहे के दशमांश दिंदा के नहीं दिंदा मगर अगर तुम्हें खुदा दशीषा चाहिए तो तुम एक काम करो अपना दशमांश दो और फिर देखो कि खुदा सारी जिंदगी किन्ने किन्ने बड़े काम करता है और मैं खुदा ने जिस टाइम में घर लाए हमारा तो मेरे को तुम्हें विश्वास नहीं करना मगर 50 रुपये है सोचो जिद को 50 रुपये हो ना वो मैं किन्ना तो सब्जी खरीदने जा पर अस घर बना नहीं आई परेशान थे मगर खुदा ने मदद की कन्नै कन्नै पाशा होर मदद की मेरे माऊ बब भैनों भ्राओ मदद की कि जिंदी बताऊँ तो अज घर नहीं है क्योंकि 50 रुपये कहने कुछ घर नहीं है पाशा होर साड़ी इन्नी मदद की असें इन्ने पैसे दिते मिगी नहीं पता दुनिया के सोई दी के बोलती बड़े सारे इंसान बोलते नहीं सही नहीं है ये नहीं है वो नहीं मगर अं अपनी तरफ तो यह आखनी कि साढ़ा पास्टर मेरे आस्ते पास्टर नहीं एक खुदा का रूप है मैं अज के जमाने कोई 10 रुपये होंगे नहीं कोई हो नहीं दिता दुआरे की दे करो अपनी अपनी मुश्किल आपू आपू हल ठीक है मगर जिन्ने पैसे मेरी कोठी पर लगे लगभग थोड़े बहुत मम्मी को लेते हो थोड़े बहुत कुछ को लेते हो मगर ज़्यादा को ज़्यादा नहीं कुछ नहीं देते पास्टर ने दीते इसे कि हम पास्टर का सच्चे दिल करने शुक्र गुजार हाँ पर पास्टर परिवार दी भी कि जिन्हें पाशा होने कदम नहीं रोकया कि दूसरों भी उन्हें पैसे नहीं दियो सच कोठी वाले और भी बड़े सारे बंदे जड़े नहीं आए सच नहीं है साढ़ा टीचू चाचा हो गया उन्हें साड़ी इन्नी मदद की उन्हें साड़ी इन्नी मदद की कि जिस टाइम इन्नी तेज धुप ही कि बंदा 2 मिनट बाहर नहीं खड़ोई सकता मगर उस टाइम वो साढ़े इस कोठी है मैंने अद्धा घंटा कौन करता उसे मगर उसने असें अपना समझा और उसने साढ़े ये सब कुछ किया दूआ है किशन भैया है पता नहीं शायद लगता मेरा पुत्र ये नहीं कर सकता किशन है उसने भी साड़ी इन्नी ज़्यादा मदद की और भी अपने बगाने ने दी है साढ़े चाचू हो साड़ा डंगा नहीं हाँ उन्हें साड़ी इन्नी मदद की और उससे दीते अपनी कि हमेशा एक दुए समझो और हमेशा एक दुए कने बने रहो ठीक और खुदा ने सब तो बड़ी में सारी जय आशीष दी खुदा ने भी अपनी सेवकाई दी